वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू चैनल में। और जो लोग नए हैं उनसे मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको भी लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम मिल सके, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है सबसे पहले सबसे फास्ट सटीक अपडेट आप लोगों को मिले, सो दैट आप लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प हो। और उसके लिए एग्जाम्पल आप लोगों को ज़्यादा पता होगा दोस्तों, जब ये वोडाफोन का शेयर 8.40 रुपये का था, मैंने तभी 2 वीडियो डाले थे इसमें, और आज देख सकते हो आज ये लगभग 10.5 भी पार कर चुका है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक। तो आप लोग कर ही देंगे, क्योंकि इसमें कुछ बताने का मतलब कोई डिफरेंट व्यू है ही नहीं दोस्तों। जो मैंने इसमें बताया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक तो किया ही जाएगा, क्योंकि जिसको भी थोड़ा सा बेनिफिट हेल्प या सपोर्ट मिली हो मेरे वीडियो देख के, मुझे पता है वो जरूर लाइक करेगा। सो फटाफट बात करते हैं, आज वोडाफोन में गिरावट है, उसका कारण जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं ये नहीं है कि कुछ पॉजिटिव आएगा तभी बताऊंगा। जो इंडस टावर की अपडेट थी या कोई फंड रेजिंग की अपडेट थी, इन दोनों अपडेट से पहले ही मैंने बता दिया था कि इसके अंदर एक मूव आने वाला है, आप लोगों को पता होगा, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है। सो उसके बाद 2 अपडेट आई, एक इंडस टावर की, एक जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी, उसके बाद इसमें रैली आ गई दोस्तों। सो अब बात करते हैं गिरावट की, और ये गिरावट कहाँ तक जाएगी। सो अभी जो गिरावट है दोस्तों वो 1-2% की दिख रही है, हालांकि थोड़ी सी ये बढ़ सकती है जो मुझे चांसेस लग रहे हैं, और जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। और दोस्तों इन शेयरों में अब मीन्स कह सकते हो कोई क्वार्टर रिजल्ट तो पेंडिंग नहीं है, और ना ही कोई पेमेंट ड्यू है। AGR की पेमेंट करनी है, वो मार्च का टाइम है, एयरली पेमेंट टर्म्स मिला हुआ है। सो अब जो न्यूज आएगी उसी के बेस पे ये शेयर मूव अप डाउन कर रहा है आज की डेट में। और ये एक न्यूज आई है कि अगले महीने से बढ़ सकता है आपका बिल, वोडाफोन एयरटेल ने दिया हिंट। तो दोस्तों ये बिल बढ़ने की जो न्यूज़ है उसको मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले रहा है, बट फ्रॉम द टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू ये इनके लिए एक संजीवनी का काम करेगा दोस्तों, क्योंकि कैश क्रंच है इनके पास। सो वो तो जब तक ये थोड़ा सा इनकम जनरेट नहीं करेंगे तब तक इनके फाइनेंशियल मजबूत नहीं कर सकते। सो एक ही अपडेट है दोस्तों, दूसरा एक और न्यूज आई है जो मेरे को लगता है कि मेन कारण ये है आज की गिरावट का। ये दूसरा अपडेट दोस्तों मिंट में निकल के आ रहा है, और आप देख सकते हो। और एक ये अपडेट है दोस्तों, इससे सीधे पता चलता है VI रिस्क लूजिंग मोर यूज़र एट इट मूव्स टू रेज ट्रैफिक्स। सो मीन्स अगर वो दाम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो चांसेज हैं कि और उसके यूजर घट सकते हैं दोस्तों। सो बेसिकली ये 2 न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज ये शेयर प्रेशर में है, और गिरावट के यही रीज़न है। हालाँकि ये चाहिए हर किसी टेलीकॉम सेक्टर को या टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को। सो ये ज़रूरी भी है उनके लिए, बिना इसके ये सरवाइव करना इनका बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर वोडाफोन। सो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस न्यूज़ को मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव में लिया है, और गिरावट इसी वजह से आई है जो मुझे लगता है। हालांकि मैं जो मेरा प्रोस्पेक्टिव होता है दोस्तों या एस्पेक्ट होता है, वो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव अपडेट देना नहीं होता। मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है वो ये है कि आपको समय पे जानकारी मिले, आप तक पहुँचे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, क्योंकि मेरा ये सिर्फ एजुकेशन चैनल है। सो आप लोगों को सो मैं फिर इंकरेज करूँगा कि कोई भी डिसीज़न आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सपोर्ट, हेल्प, एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो भी अपडेट, जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, या आप लोग मेरा नॉलेज को अपने साथ ऐड करके कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएँ। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।